केन्द्रमंत्री प्रकाश जावडेकर को सांवादिक सम्मेलन सीधा प्रसारण आम आपको देखो डिटेल रिव्यू प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मैंने लिया है और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जगन्नाथ पुरी का भी मेरा रिव्यू 15 दिन पहले हुआ, अभी भुवनेश्वर का हुआ और कल मैं लक्ष्मी जी के बुद्ध नगर में जब गया था तो हजारों महिलाओं ने जिस तरह से स्वागत किया, उनके आंखों में जो आशा थी वो बीजेपी पूरा परिवर्तन करके रहेगी ओडिशा में, ये मुझे पूरा विश्वास हो गया। क्योंकि लोगों ने क्या कहा, नवीन बाबू की सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है, नवीन पटनायक की सरकार कैसा ओडिशा तैयार किया 17 साल सत्ता में रहने के बाद, स्कूल है टीचर नहीं, अस्पताल है डॉक्टर नहीं, नल है पानी नहीं, तार है 8-8 घंटे बिजली नहीं, गांव है अच्छी सड़क नहीं, स्कूल है टीचर नहीं, अस्पताल है डॉक्टर नहीं, नल है पानी नहीं, 1 घंटा आता है भुवनेश्वर में भी, तार है 8-8 घंटे बिजली नहीं और गांव है अच्छी सड़क नहीं। यह हालत कर दी ओडिशा की, ये फेल्यूर का सबसे बड़ा है और लोग मुझे यही बता रहे हैं, मैं लोगों का फीडबैक आपको दे रहा हूं। यहां पानी कम है, शराब ज्यादा मिलती है, पानी कम मिलता है। भुवनेश्वर जैसे शहर में केवल 40% घरों में नलके है, नल है, पानी योजना का पानी मिलता है, बाकी अपने अपने बोरिंग पर या कुछ जगह टैंकर पर निर्भर है और पानी भी 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, कभी कभी आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम आता है। राजधानी में अगर पानी की व्यवस्था नहीं, सीवेज की व्यवस्था नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट का कोई साइंटिफिक प्लांट नहीं और कहीं भी डंपिंग करते हैं, तो नवीन बाबू हम पूछना चाहते हैं कहां पहुंचा दिया आपने ओडिशा को, बताइए नवीन बाबू जी आपने ओडिशा को कहां पहुंचा दिया। और सब जगह लोगों का अनुभव है पानी कम है, शराब